बिहार की राजधानी पटना के महावीर मंदिर में रामनवमी के मौके पर भव्य नजारा होगा। इस मौके पर ड्रोन से मंदिर पर पुष्प वर्षा की जाएगी। इस दौरान मंदिर में जो भी भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे उनके ऊपर भी ड्रोन से फूलों की बारिश करने की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव किशोर कुणाल ने कार्यक्रम की जानकारी दी है। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि रामनवमी के मौके पर मंदिर पर भक्तों पर आसमान से पुष्प वर्षा करने के लिए दिल्ली के रहने वाले एक राम भक्त ने अपनी पहचान नहीं बताने की शर्त पर 3 ड्रोन दिए हैं। किशोर कुणाल ने कहा कि जिस प्रकार नेत्रायुग में भगवान राम के जन्म के समय आकाश से पुष्प वृष्टि हुई थी, उसकी झलक महावीर मंदिर में इस बार दिखाई देगी। उन्होंने यह भी बताया कि राम जन्म का समय दोपहर 12 बजे होता है और रामनवमी के दिन सुबह 11:50 से दोपहर 12:20 तक महावीर मंदिर पर पुष्प वर्षा की जाएगी। वहीं आज 3 ड्रोन पटना जाएंगे और पुष्प वृष्टि का ट्रायल भी होगा ताकि रविवार को यानी कि कल सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से हो सके।